तो आज के सेशन के अंदर हम शुरू करते हैं जॉइंट्स का टॉपिक। अब हमारे पास जॉइंट्स का टॉपिक अगर आप कवर करते हो तो बेटा हमारे पास MySQL के अंदर या SQL सर्वर के अंदर तकरीबन 95-99% आपके जॉइंट्स का कॉन्सेप्ट सिमिलर, सही है। इवन जो आप नंबर ऑफ क्यूरीज भी लिखते हैं वो एज इट इज है जो आपके SQL सर्वर की है जो MySQL की। कौन सा क्लियर हो गया? ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोनों RDBMS के अंदर ये दोनों सॉफ्टवेयर है ना बेटा, MySQL या हमारा SQL सर्वर, इन दोनों में लैंग्वेज एक ही यूज होती है जिसको SQL कहा जाता है। कौन सा क्लियर हो गया? तो जस्ट बिकॉज ऑफ सेम लैंग्वेज आपके जॉइंट्स के कॉन्सेप्ट के अंदर तकरीबन चीजें 90-95 सिमिलर है, तो आपकी जो भी क्यूरीज आप SQL सर्वर में लिखोगे या MySQL में लिखोगे वो दोनों में चल जाएगी जॉइंट्स के हिसाब से। बाकी क्यूरीज अलग है, ट्रिगर्स SQL में MySQL में या SQL सर्वर में अलग है, आपके स्टोर प्रोसीजर MySQL में SQL सर्वर में अलग तरीका है, लेकिन हमारे जॉइंट्स जो है वो तकरीबन सिमिलर है। थोड़ी आपकी वैरायटीज है या चेंजेस है तो मैं बता देता हूं क्या है, एक दो जॉइन यहां है तो वहां नहीं है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब MySQL के अंदर या SQL सर्वर के अंदर जॉइंट्स का अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो ये क्या करती है, MySQL join is used to join the records from two tables using join clause, कि हम दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ टेबल से डेटा फेच कर सकते हैं बाय यूजिंग join। यहां दो लिखा हुआ है लेकिन हम दो से ज्यादा टेबल से डेटा फेच कर सकते हैं, सही है। और ये सिर्फ MySQL में ही नहीं है, SQL सर्वर, Oracle, आपके पास SQLite है, PostgreSQL है, किसी भी तरह के अगर आप डेटाबेस पे जाते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेंगे, सही है। लेकिन वहां क्यूरीज लिखने के तरीके अलग हैं और MySQL SQL सर्वर के अंदर क्यूरीज लिखने का तरीका भी सिमिलर। ओके, उसके बाद द ज्वाइन क्लॉज रिटर्न यू द सेट ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम। अब बेटा हमें पता है जब हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ी तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को रोकने के लिए हमने टेबल्स अलग अलग बनाई, फिर उन नंबर ऑफ टेबल्स को हमने रिलेशनशिप देने के लिए प्राइमरी कीज और फॉरेन कीज का यूज किया, जिसमें हम 1-to-1, 1-to-many, many-to-many, many-to-1 रिलेशनशिप दिए। उसके बाद हमने अगर उन नंबर ऑफ टेबल से डेटा फेच करना है तो उसके लिए हमारे पास ज्वाइन यूज होते हैं या ज्वाइन क्लॉज हमारा जो है यूज होता है। लेकिन डेटा जो फेच होगा वो किस बेसिस पे होगा? बेटा आप लोगों ने रिलेशनशिप जो दी है ना प्राइमरी की और फॉरेन की के, आपको पता है प्राइमरी की कॉलम एक टेबल का, फॉरेन की कॉलम दूसरी टेबल का होता है, ऐसे ही है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं कि किसी कैटेगरी की टेबल है तो उसके अंदर कैटेगरी आईडी है, और प्रोडक्ट्स की टेबल में आप फिर से कैटेगरी आईडी लिखते, ऐसे ही है। यानी कैटेगरी टेबल में भी एक कॉलम है केट आईडी के नाम से, और प्रोडक्ट्स की टेबल में भी कॉलम है एक केट आईडी के नाम से। तो यानी ये कॉलम कौन सा है? कॉमन है, जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता है। भले कॉलम का नाम चेंज भी हो लेकिन वैल्यू तो वही होगी ना बेटा, सही है। तो हम जो डेटा फेच करेंगे कॉमन कॉलम की बेसिस पे फेच करेंगे, यानी कंडीशन किस पे लगाएंगे? कॉमन कॉलम जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता है। मेरा कहने का मकसद बेटा ये है कि अगर आप डायग्राम में जाएं, यहां पे देखें एक टेबल है कैटेगरी की, दूसरी टेबल है प्रोडक्ट्स की, यहां पे कॉलम है कौन सा? किट आईडी। यहां पे भी कौन सा कॉलम है? तो जब डेटा में फेच करूंगा ना कैटेगरी टेबल और प्रोडक्ट से, इस कॉमन कॉलम पे कंडीशन लगाऊंगा कि इस कॉमन कॉलम की बेसिस पे डेटा फेच करो। कौन सा क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये कॉमन कॉलम की जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है। उसके बाद अब जॉइंट्स के टाइप, अगर आप एसक्यूएल सर्वर में जाते हैं MySQL के अंदर जाते हैं तो कुछ ज्वाइन आपको तकरीबन जो है वो सिमिलर मिलेंगे, एक दो ज्वाइन ऐसे हैं जो एसक्यूएल सर्वर में है तो MySQL में नहीं है, MySQL में तो यहां पे नहीं है। ये जो स्लाइड है वो बेशक MySQL की है लेकिन अगर आप कंसीडर करो तो SQL सर्वर में भी तकरीबन काम यही है। मैं प्रैक्टिकल SQL सर्वर में कर रहा हूं, सही है, और आपकी स्लाइड बेशक MySQL की है लेकिन यही क्यूरीज जो मैंने लिखी है, अगर आप कहां लिखते हैं जाके, कहां पे लिखेंगे जॉइंस की क्यूरीज जाके MySQL में, तब भी काम करेंगे।
कौन सा क्लियर हो गया? एज इट इज. ओके, यहां पे एक ज्वाइन है इनर ज्वाइन. अब इनर ज्वाइन एक टाइप है ज्वाइंस की, एक और ज्वाइन है एक्यू ज्वाइन, तीसरा हमारे पास है नेचुरल ज्वाइन, चौथा है क्रॉस ज्वाइन, और पांचवा जो है वो आउटर ज्वाइन कहलाता है. लेकिन ये आउटर हम जब ज्वाइन लिखते हैं ना तो वो हम आउटर यूज नहीं करते, सिर्फ क्या लिखते हैं, या तो लेफ्ट ज्वाइन या तो राइट ज्वाइन. बहुत सो क्लियर हो गया. या एक तीसरा होता है फुल ज्वाइन. क्या? फुल ज्वाइन. सही है, यहां नहीं लिखा हुआ लेकिन ये फुल ज्वाइन यहां पे भी है, मायस्केल में भी. बहुत सो क्लियर हो गया. एक ज्वाइन है जो स्लाइड्स में मेंशन नहीं है, मैं करवा दूंगा, अभी करवा दूंगा, कि फुल ज्वाइन के नाम से भी ज्वाइन होता है जो हमारा काम कर रहा होता है. उसके अलावा एक है सेल्फ ज्वाइन. सेल्फ ज्वाइन के अंदर हमारे पास ये आपका एसक्यूएल सर्वर में भी है और MySQL दोनों में, ठीक हो गया. लेकिन एक चीज यहां पे एक नेचुरल ज्वाइन नजर आ रहा है, नेचुरल ज्वाइन एसक्यूएल सर्वर में नहीं है, ये याद रखें. किसमें नहीं है? एसक्यूएल सर्वर में नहीं है, लेकिन MySQL में है और वो काम कर रहा होता है. बहुत सब क्लियर हो गया, राइट. अच्छा जी, अब मूव करते हैं इनर ज्वाइन की तरफ. सबसे पहला ज्वाइन हमारा कौन सा है? इनर ज्वाइन. Inner join produces only the set of records that match in both table A and table B. यानी हमारे पास जो record, common record होते हैं ना बेटा, जैसे आप लोगों ने A intersection B, A union B set पढ़े, ठीक है? A intersection B क्या करता है? जो data दोनों sets में होता है वही उठा के ला देता है ना? A union B क्या करते हैं? Set सारा ए और बी का, दोनों सेट्स का डेटा आ जाता है, ऐसे ही होता है ना. तो यहां पे बात होगी इंटरसेक्शन की, यानी वो डेटा जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू कॉमन कॉलम, वही आएगा, दूसरा डेटा नहीं आएगा. सही है. इसको लिखने का तरीका कैसे होगा? ये था इसका ग्राफ कि हम टेबल ए और टेबल बी है बेटा, सही है. अब वो प्रोडक्ट्स जो आपकी कैटेगरी से उस कॉमन कॉलम से मैच करती है वही आएंगी, बाकी आपकी नंबर ऑफ टेबल्स नहीं आएंगी. बता देता हूं किस तरह से. अब इनर ज्वाइन को लिखने का तरीका क्या है? द इनर ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न्स रोज व्हेन देयर इज एट लीस्ट वन मैच इन बोथ टेबल. यानी अगर दोनों टेबल में एक ऐसा सिंगल रिकॉर्ड जो बेशक मैच करे दोनों टेबल में, तभी डेटा आएगा वरना नहीं आएगा. अच्छा, ये बता रहा है इफ देयर आर रोज इन पर्संस टेबल डू नॉट हैव मैचेस इन ऑर्डर्स दोज रोज विल नॉट बी लिस्टेड. तो ये सिनेरियो है क्या? मैंने इसको पूरा एग्जांपल जो है बेशक बना दिया है, बेशक टेबल पर्संस और ऑर्डर्स के नहीं बनाए, नाम अलग रखे हैं, लेकिन क्यूरीज अगर आप यहां पे देखेंगे ना, ये क्यूरी भी गिवन है. तो अगर आप स्लाइड को फॉलो कर रहे हैं तो आपको टेबल बनाने पड़ेंगे इन नामों से, उनके उस तरह के कॉलम बताने पड़ेंगे. लेकिन मैंने जो यहां एग्जांपल यूज किया है मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं मैंने क्या किया है. ठीक है बेटा, देखें मैं यहां पे आपको ये दिखा देता हूं इसका डायग्राम. ठीक है, आप डेटाबेस में जाएंगे, यहां पे आके राइट क्लिक करेंगे तो न्यू डायग्राम बन जाएगा और आप उसको यस करेंगे. अच्छा, कैटेगरी एक टेबल है जो मैंने बना दी है जिसके अंदर टोटल कितने कॉलम है बेटा? दो कॉलम है. दूसरा टेबल है प्रोडक्ट्स का जिसके अंदर टोटल कितने कॉलम है? चार है. चारों कॉलम में से एक कॉलम किससे बिलोंग करता है? कैटेगरी टेबल से. कौन सा वाला कॉलम? कैटेगरी आईडी. इसी तरह हमारे पास एक और टेबल है जिसको कहा जाता है कस्टमर्स टेबल. कस्टमर टेबल के अंदर अभी हमारे पास कस्टमर की आईडी है, नाम है, एज है, सिटी है, और ये एक लास्ट टेबल जो ऑर्डर्स का टेबल है जिस टेबल के अंदर जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो जाहिर है आप कोई ना कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, और वो प्रोडक्ट कौन सिलेक्ट कर रहा है? कोई ना कोई कस्टमर. सही है, तो जब भी ऑर्डर करेगा कस्टमर तो कोई ना कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा, खाली या विदाउट प्रोडक्ट के तो ऑर्डर नहीं होगा ना हमारा. ठीक हो गया. तो ये इस तरह से क्या करेगा? ऑर्डर करेगा तो डेटा कहां आ जाएगा? ऑर्डर्स की टेबल में आ जाएगा. अब मैं चाहता हूं कि ये डेटा हमें फेच करना है डिफरेंट टेबल से बाय यूजिंग ज्वाइंस. इनर ज्वाइन क्या करेगा, किस तरह से काम करेगा,
उसकी बात कर लेते हैं। उसकी क्यूरीज, इन तकरीबन टेबल्स की क्यूरीज जो भी है मैं नीचे अटैच कर लूंगा इसके साथ, आप बेशक वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चले जी, ये हो चुका। अच्छा, इसमें मैं समझा देता हूं मैंने क्या किया है बेटा। सबसे पहले तो हमारे पास मैंने एक डेटाबेस बनाया है दराज डीबी के नाम से, उसको सिलेक्ट किया है जो यहां पे आपको लिस्ट में शो हो रहा है, हमने सिलेक्ट करके रखा है। फिर मैंने चार टेबल बनाए हैं, कस्टमर्स, कैटेगरी, प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स, जो मैं वहां दिखा चुका। कस्टमर्स की टेबल की जो क्यूरी है मैंने ये लिखी है, इसी तरह मैंने यहां पे कैटेगरी की टेबल की क्यूरी ये लिखी है, इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं प्रोडक्ट्स की क्यूरी मैंने ये लिखी है। अब प्रोडक्ट्स की क्यूरी जो मैंने लिखी है, प्रोडक्ट्स की टेबल में हमने जो भी फॉरेन की यूज हो रही है, यानी आपकी जाहिर है प्रोडक्ट किसी ने किसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो यहां पे मैंने कैटेगरी आईडी के ऊपर भी क्या लगा दिए हैं, और डिलीट और अपडेट पे भी यहां पे कैस्केड लगा दिया। सही है कि अगर कोई भी कैटेगरी डिलीट या अपडेट होती है तो वो हमारे चाइल्ड टेबल्स के अंदर से भी वो डेटा क्या हो जाएगा, कैस्केड हो जाएगा। कैस्केड का मकसद, अगर आपने रिकॉर्ड डिलीट किया कैटेगरी की टेबल से तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। और अगर आपने कैटेगरी की आईडी चेंज की तो ऑटोमेटिक हर जगह जहां जहां फॉरेन की है कैटेगरी आईडी की, वो हर जगह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी या रिफैक्टर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसके बाद हमने एक लास्ट टेबल बनाया ऑर्डर्स की टेबल में, आपके दो कॉलम ऑर्डर्स की टेबल में, हमारे दो कॉलम कहां से आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारे पास कस्टमर की टेबल से कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट की टेबल से प्रोडक्ट आईडी, और इन पे भी मैंने क्या लगाया हुआ है, कैस्केड। लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड, जो यूजर की नीड हो आप उस हिसाब से सेट नल या नो एक्शन जो चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पे हम ऑलरेडी जो है ट्यूटोरियल बना चुके हैं। ओके, उसके बाद यहां पे लास्ट हमारा जो कॉलम है कौन सा, ऑर्डर डेट, कि आपने वो ऑर्डर कब किया। तो यहां पे मैंने डेट के हिसाब से भी वर्चार बना दिया, और ये आपके नंबर ऑफ टेबल है जो हमने यूज कर लिए, आपको नीचे शो हो रहे होंगे। इनमें डेटा भी हमने ऐड कर लिया। सबसे पहले कैटेगरी की टेबल है जिसमें हमने कुछ नंबर ऑफ कैटेगरीज ऐड की है, आपको नजर आ रही है टोटल कितनी कैटेगरीज है, तीन। फिर उन तीनों कैटेगरीज में से आप एक चीज नोट करें, मैंने यहां पर कितने प्रोडक्ट ऐड किए हैं, छह प्रोडक्ट ऐड किए। लेकिन उन छह प्रोडक्ट्स में से आप नोट करो कि हमने कितने प्रोडक्ट्स के कैटेगरीज डिफाइन किए हैं, चार प्रोडक्ट के कैटेगरीज डिफाइन किए हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाले दो प्रोडक्ट है, जीन्स और टी शर्ट, इनकी कोई कैटेगरी नहीं है। बात सब क्लियर हो रहा है? इन दोनों टेबल की कोई कैटेगरी नहीं है, यानी दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी नहीं, और एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, यानी स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरी में हमने कोई भी प्रोडक्ट रखा नहीं रखा। तो ये मैंने क्यों रखा है, ताकि आपको ज्वाइन समझ में आए। कौन सा क्लियर हो गया? अब इनर ज्वाइन की बात करते हैं। इनर ज्वाइन क्या कह रहा है, इनर ज्वाइन कह रहा है कि मैं डेटा वही उठाता हूं कॉमन कॉलम के बेसिस पे जो दोनों टेबल में मैच करेगा। सही है? इसका मकसद समझो, आपने अगर डेटा उठाना है कैटेगरी टेबल और दूसरी कौन सी टेबल है हमारी, प्रोडक्ट्स की टेबल से, है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबल पे ज्वाइन लगा देंगे या इन दोनों को ज्वाइन करके इनसे डेटा उठा लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहां पे देखिए दो ऐसी कैटेगरीज है जो यहां पे एग्जिस्ट करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कहां पे, प्रोडक्ट्स की टेबल में। यानी अगर आपकी कैटेगरी आईडी की बात की जाए तो डेल कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, लैपटॉप से। सही है? लैपटॉप की आईडी क्या है, वन, जो यहां पे आ रही है। इसी तरह एचपी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, सेम कैटेगरी से। इसी तरह ओप्पो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, टू कैटेगरी से। इसी तरह सैमसंग कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, टू कैटेगरी से। लेकिन जीन्स और टी शर्ट की कोई कैटेगरी है यहां पे, नहीं है। क्या यहां स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरी है, लेकिन क्या इसके यहां प्रोडक्ट है, नहीं है।
तो हमें क्या करना है, हमें ज्वाइन अप्लाई करना है। मैं अप्लाई करने जा रहा हूं दो टेबल पे अभी इनर ज्वाइन, उसके बाद हम मल्टीपल टेबल्स पे भी अप्लाई करेंगे। अच्छा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ऑल मत लगाओ। अब हमें पता है हम मल्टीपल टेबल से डेटा उठा रहे हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम स्टेरिक इस तरह यूज नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से कि हमें कैटेगरी की टेबल से क्या उठाना है, सिर्फ कैटेगरी आईडी की जरूरत है नहीं, क्या उठाना है कैटेगरी का, सिर्फ नाम। तो आपने पहले टेबल का नाम लिखा, फिर उसके कॉलम का नाम, डॉट लगा के कॉलम का नाम, कि कैटेगरी की टेबल से क्या उठाओ, कैटेगरी का नाम, कॉमा लगा के दूसरी टेबल कौन सी है, प्रोडक्ट की टेबल, तो प्रोडक्ट की टेबल से क्या उठाओ, प्रोडक्ट का नाम। दूसरा कौन सा कॉलम चाहिए प्रोडक्ट की टेबल से, प्रोडक्ट की प्राइस। अच्छा, क्लियर हो गया। अगर आपको किसी टेबल से उसके सारे कॉलम चाहिए तो क्या करेंगे, इस तरह नहीं लिखेंगे आप, प्रोडक्ट्स डॉट स्टेरिक लगा दो। समझ आ रहा है कि कैटेगरी की टेबल से एक ही कॉलम उठाओ, कौन सा, कैटेगरी नेम वाला, लेकिन प्रोडक्ट्स की टेबल से सारे कॉलम। वैसे क्लियर हो गया, तो आप इस तरह से दे सकते हैं, वरना अभी के लिए आप मैन्युअली टोटल कितने कॉलम उठाना चाहते हैं, तीन, एक कैटेगरी की टेबल से और दो प्रोडक्ट्स की टेबल से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद यहां आएंगे और लिखेंगे फ्रॉम कौन सी टेबल से डेटा उठाना, पहले टेबल कौन सी बताएंगे, कैटेगरी, तो जो पहले लिखोगे वो लेफ्ट टेबल होगा, जो पहले लिखेंगे वो क्या होगा बेटा, लेफ्ट टेबल। श्योर है ना, टेबल ए टेबल बी, सही है, ये टेबल कौन सा है, लेफ्ट, आपने पहले लिखा, फिर आपने क्या लिखना है, इनर ज्वाइन, और दूसरा टेबल कौन सा है, ये ज्वाइन हो चुके टेबल दो, सही है, कि ये तीन कॉलम उठाने हैं कौन से टेबल से, एक कैटेगरी की टेबल, उसको इनर ज्वाइन लगाओ या इनको ज्वाइन करो किसके साथ, प्रोडक्ट्स की टेबल के साथ। अब वेयर कंडीशन में हम वो सारी चीजें बताते थे, लेकिन इनर ज्वाइन में वेयर यूज नहीं होता, वेयर की जगह पे ऑन यूज होता है कंडीशन के लिए। कौन से क्लियर है, ऑन क्लॉज है जो वेयर की तरह काम करता है, इनर ज्वाइन में हम ऑन को यूज करते हैं। अब इसमें क्या बताएंगे, जहां पे अब कंडीशन लगा रहे हैं ना, जहां पे कैटेगरी टेबल से केट आईडी, कैटेगरी टेबल से क्या, केट आईडी बराबर है प्रोडक्ट्स की टेबल के कौन से कॉलम से, केट आईडी से, मैंने कहा ना कॉमन कॉलम, कौन सा कॉलम, कॉमन कॉलम जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो कैटेगरी की टेबल में भी कौन सा है, कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट्स की टेबल में भी कौन सा है, कैटेगरी आईडी। यानी जिन नंबर ऑफ कैटेगरीज को प्रोडक्ट्स में यूज किया गया वो कौन सी, दो थी ना, लैपटॉप और मोबाइल्स, स्मार्ट वॉचेस नहीं थी, सही। अब प्रोडक्ट्स की टेबल में भी वो हमारी प्रोडक्ट्स जिनकी कैटेगरीज है, प्रोडक्ट्स की टेबल में भी वो प्रोडक्ट्स जिनकी कैटेगरीज है, कौन सी है वो, चार हमारी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कैटेगरीज है, दो ऐसी हमारी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है, टी शर्ट और जीन्स, सही है। तो यहां वो लावारिस प्रोडक्ट्स भी नहीं आएंगे और लावारिस कैटेगरीज भी नहीं आएंगे, समझ में आ गया, ठीक है। तो इनर ज्वाइन डेटा सिर्फ वही लाता है जो दोनों टेबल में कॉमन कॉलम की बेसिस पे एग्जिस्ट करता है, बाकी डेटा अगर टेबल ए में है या बी में है या फर्स्ट में या सेकंड में, उसको वो फेच नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं बेटा और मैं यहां पे एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखो क्या डेटा आ रहा है, कैटेगरी कौन सी आई, लैपटॉप और मोबाइल, क्या स्मार्ट वॉचेस आए, नहीं है, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस का उस टेबल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि वो कैटेगरी आईडी गई नहीं ना वहां पे। इसी तरह हमारे वो प्रोडक्ट जो क्या थे, जिनकी कैटेगरी नहीं थी, क्या वो आए, वो भी नहीं है। कौन सा क्लियर है।
तो इनर ज्वाइन क्या करता है, कॉमन कॉलम की बेसिस पे जो डेटा मैच हुआ वो उठाएगा, बाकी डेटा को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा या स्किप कर देगा। ठीक है, अब इस पे आप कंडीशन लगा सकते हो। अब ये डेटा आ रहा है ना यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि कंडीशन लगा के, ये ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं कि ऑर्डर बाय, ठीक है, अभी ये एबीसी वगैरह आपको करना है ना, ऑर्डर बाय लगाना है ना आपको, तो जिस कॉलम के बेसिस पे चाहो कर सकते हो। अभी देखो प्राइस आगे पीछे हो रही है ना, सही है। ऑर्डर बाय मैं कर देता हूं प्रोडक्ट्स की टेबल से, कौन सी टेबल से, प्रोडक्ट्स की टेबल से जो प्रोडक्ट प्राइस है उसके हिसाब से क्या कर दो, ऑर्डर में लगा दो। तो अब देखेंगे प्रोडक्ट जो छोटी होगी ऊपर होगी और जो बड़ी होगी नीचे होगी, उनसे क्लियर हो गया। तो अब ऑर्डर में भी लगा सकते, ठीक है। इसी तरह इनर ज्वाइन के ऊपर और भी काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं ऑर्डर में नहीं लगाना, मुझे यहां पे भी एक और कंडीशन लगानी है कि कॉमन कॉलम भी हो, तो वो तो आ रही है ना ये चीजें, लेकिन अगर आपको कोई कहे कि प्रोडक्ट वो दिखाओ जिसका नाम ये है, दोनों टेबल से जाके सेलेक्ट करो वो प्रोडक्ट जिसका नाम ये है, तो क्या बताएंगे, एंड प्रोडक्ट की टेबल से प्रोडक्ट का नाम किसके बराबर हो, अगर सपोज मैं कह देता हूं एचपी के, तो वही ला दो, सिलेक्ट करते हैं, क्या आ रहा है, एचपी आ रहा है, सही है। वरना आपने इन ऑपरेटर पढ़ा था, इन पढ़ा था बेटा, एंड अब मैं आप बता देता हूं प्रोडक्ट्स की टेबल से प्रोडक्ट का नाम इन किस पे हो, एचपी और तेल, तो अब कौन से प्रोडक्ट आएंगे, डेल और एचपी आ रहा है ना बेटा। तो जब आप सर्चिंग करवाओगे वेबसाइट से तो कैसे करवाओगे, पता है ना, सर्च बॉक्स में कुछ लिख के बटन पे क्लिक करते हो तो ये क्यूरी चलेगी, और आपने जो भी प्रोडक्ट ढूंढे वो आपके आ जाए, कौन सा क्लियर हो गया, एक हो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, या आप रेंजेस बता सकते हैं ना, रेंजेस किस तरह से कि जिनकी प्राइस टॉप है छोटी है प्राइस, या आपकी स्मॉल टू हाई टू लो है ना, या प्रोडक्ट के नाम ये है, सिटीज के नाम ये है, सेल यहां से लेकर यहां तक, ये सारी कंडीशन यहां में मेंशन कर सकते, कौन सा क्लियर हो गया। ये था सिर्फ इनर ज्वाइन का तरीका, इनर ज्वाइन में और भी हजारों चीजें हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहां पे आके मुझे अब दूसरे ज्वाइन पे जो है वो चीजें पढ़ानी है, ये हो चुका है इनर ज्वाइन। अब बात करते हैं बेटा, इनर ज्वाइन के बाद हमारे पास आउटर ज्वाइन, सही है, लेकिन मैं चाहता हूं आउटर ज्वाइंस को बाद में करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं दो ज्वाइन और हैं जिनको कहा जाता है इक्यू ज्वाइन, ये वाला, क्योंकि ये इनर ज्वाइन से मिलता जुलता ज्वाइन, उनसे क्लियर हो गया, ठीक है। वो सारे पढ़ेंगे लेकिन इक्यू ज्वाइन पढ़े, इसकी डेफिनेशन क्या है, इक्यू ज्वाइन इज अ क्लासिफाइड टाइप ऑफ इनर ज्वाइन, ये किसकी टाइप है, इनर ज्वाइन की ही क्लासिफाइड टाइप है, यानी इनर ज्वाइन का सबसेट समझो, या हमारा क्या है एक उसी का क्या है क्लासिफाइड वर्जन है। इक्यू ज्वाइन इज यूज्ड टू कंबाइन रिकॉर्ड फ्रॉम टू टेबल बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम एग्जिस्ट इन बोथ टेबल, सेम डेफिनेशन, जो इनर ज्वाइन का काम है वही काम किसका है बेटा, इक्यू ज्वाइन का। बस तरीका क्या है, तरीका सिंपल सा है, आप क्या करोगे, यहां पे आओगे, क्यूरी भी मैं एज इट इज उठा लेता हूं, इनर ज्वाइन की पहली क्यूरी लिखी थी बेटा ये वाली, मैं ये एज इट इज क्यूरी उठाता हूं और यहां पे आके पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए मैं चेंजेस क्या करता हूं, तो वो इनर ज्वाइन से क्यू ज्वाइन बन जाएगा, सही है, मैं बता देता हूं। देखिए बस क्या करना है, इनर ज्वाइन हटाना है, यहां क्या लगाना है, कॉमन, ये दोनों टेबल वैसे ही मर्ज हो जाएंगे, कौन सा क्लियर हो गया, ये दोनों टेबल क्या हो जाएंगे, वैसे ही मर्ज हो जाएंगे, और ऑन की जगह पे क्या लगाना है, अब वेयर लगाना, दैट्स इट, ये क्या बन गया,
इक्यू ज्वाइन, क्योंकि इनर ज्वाइन और इक्यू ज्वाइन का जो आउटपुट आता है एज इट इज आता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस ये ऐसा समझो फॉर लूप और वाइल लूप है, दोनों से हम एक काम ले सकते हैं। सही है, यहां पे हमारे पास क्या है, एक ज्वाइन है इनर जिसका कॉमन कॉलम के बेसिस पे सेम काम है, इसी तरह हमारे पास दूसरा कौन सा है इक्यू ज्वाइन जिसका भी काम सेम है, बस लिखने का सेंटेक्स या तरीका अलग है। उसके लिए इनर ज्वाइन लिखना पड़ता था, यहां सिर्फ कॉमा देंगे दो टेबल के अंदर, और यहां पे और नहीं, इक्यू ज्वाइन में क्या यूज होता है, वेयर यूज होता है। तो कल को कोई इंटरव्यूअर पूछे इनर ज्वाइन और इक्यू ज्वाइन में डिफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे वर्किंग सेम है, सेंटेक्स चेंज है, सेंटेक्स क्या चेंज है मैंने समझा दिया। कौन सा क्लियर हो गया, आपने फिर से सिलेक्ट करना है और देखना है कि आउटपुट सेम आ रहा है। यस, कौन सा क्लियर हो गया, ठीक है। इनर ज्वाइन और इक्यू ज्वाइन एक ही है। अच्छा, एक ज्वाइन और है जो MySQL में है लेकिन SQL सर्वर में नहीं है, वो कौन सा, नेचुरल ज्वाइन। अब नेचुरल ज्वाइन बेटा उसकी किसकी सबसेट है, इसको भी पढ़ो। नेचुरल ज्वाइन इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ इक्यू ज्वाइंस। इक्यू ज्वाइन खुद किसका सबसेट था, इनर का। इनर का इक्यू ज्वाइन इज अ क्या था, समझ ले ड्राइविड वर्जन था। फिर इक्यू ज्वाइन का ड्राइविड वर्जन क्या है, नेचुरल है। तो MySQL में जाओगे ना, इसको लिखने का तरीका और आसान है। नीचे देखो, सिलेक्ट कॉलम जो आपके पर्सन टेबल के फर्स्ट नेम को उठाना है, ऑर्डर्स की टेबल से ऑर्डर नंबर उठाना है, फ्रॉम और क्या लगाया, पर्सन नेचुरल ज्वाइन ऑर्डर्स, यानी जो हम कंडीशन लगा रहे थे ना ऑन और वेयर की, अब वो लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उठा लेगा कॉमन कॉलम कौन सा। व्हाट्सएप क्लियर हो गया, यानी अगर मैं कहूं अगर ये SQL सर्वर में होता तो सिर्फ क्या करते, बस ये लिखते, और यहां पे फ्रॉम के बाद आप यहां क्या लगा देते, नेचुरल ज्वाइन। व्हाट्सएप क्लियर हो गया, ये MySQL में है, SQL सर्वर में नहीं है। तो अगर आप MySQL पे ट्राई कर रहे हैं तो सिर्फ क्या लिखेंगे यहां पे, नेचुरल ज्वाइन। व्हाट्सएप क्लियर हो गया बेटा, सही है। तो ये आपका इस तरह से यूज होता है। आई होप ये आपको तीनों ज्वाइन सिमिलर है, फंक्शनलिटी सेम, आउटपुट तीनों का एक आएगा, ये माइंड में बिठा दो, नेचुरल ज्वाइन का, इक्यू ज्वाइन का और इनर ज्वाइन का, आउटपुट सेम आएगा, सब जो ऐसा है, फॉर लूप वाइल लूप और डूवाइल लूप। व्हाट्सएप क्लियर है, जिनसे काम एक हम ले सकते हैं, लिखने का तरीका या सेंटेक्स अलग है। ये हमारे तीनों वाइंडअप हो चुके। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं बेटा कि हम लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन कैसे यूज करते हैं। इनको आउटर ज्वाइन कहा जाता है, लेकिन लेफ्ट और राइट भी नहीं है, फुल ज्वाइन भी है। अच्छा, एक चीज नोट करें, अब अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूं जो है समझ ले के लेफ्ट ज्वाइन, तो वो भी सिमिलर है, क्या डिफरेंस है, बस आउटपुट थोड़ा डिफरेंस आता है, यानी क्यूरी एज इट इज आपकी थोड़ा सा चेंज कर लो फुल बन जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर लो राइट बन जाएगा, थोड़ा सा चेंज करो लेफ्ट बन जाएगा। कॉमन कॉलम तो लाजमी हर जगह, कॉमन कॉलम तो हर जगह लाजमी है। कौन सा क्लियर हो गया, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं बात करता हूं, अच्छा देख लो इसकी क्यूरी किस तरह लिखते हैं, ये लेफ्ट और राइट ज्वाइन है ना बेटा, सही है, नीचे आता है लेफ्ट ज्वाइन, इसने देखो क्या किया हुआ, इसने टेबल ए को पूरा फिल किया हुआ है और टेबल बी का आधा हिस्सा फिल है, समझ में आ रहा है, यानी कल को ये होता है, आपको अगर यूजर कहता है मुझे कैटेगरी सारी देखनी है और प्रोडक्ट्स वो देखनी है जिनकी कैटेगरीज है, क्लियर, ठीक है, यानी एक टेबल से सारा डेटा चाहिए, दूसरी टेबल से वही डेटा चाहिए जो लेफ्ट के कुछ कॉलम वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। कौन से क्लियर है, मैं समझा देता हूं बेटा, मैं इस तरह से कहना चाह रहा हूं, अभी जो हम ज्वाइन अप्लाई कर रहे हैं, दो टेबल पे अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारा एक टेबल है कौन सा कैटेगरी का, दूसरा कौन सा है प्रोडक्ट्स का। इस पे थोड़ा नोट करो एक चीज, यहां पे लेफ्ट टेबल अगर मैं कंसीडर करता हूं कैटेगरी का, यानी जो पहले दूंगा वो लेफ्ट कंसीडर हो, सही है, अगर मैंने क्या दे दिया, पहले दे दिया कैटेगरी का टेबल, तो पता है क्या होगा, इनर ज्वाइन में क्या होता था, सिमर्ड वॉचेस नहीं आते थे, ऐसे ही था,
और प्रोडक्ट से क्या नहीं आते थे ये दोनों प्रोडक्ट्स, जीन्स और टी शर्ट नहीं आते थे, क्योंकि ये वाली कैटेगरी इसकी कोई प्रोडक्ट नहीं है प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर, और इन दोनों प्रोडक्ट्स की कोई कैटेगरी नहीं है। ऐसे ही है ना, यानी इन तीनों रिकॉर्ड्स का इन दोनों टेबल में कोई रिलेशनशिप नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? लेकिन अगर आप लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं तो बेटा क्या होगा पता है? लेफ्ट ज्वाइन लगाने से इस टेबल कैटेगरी की टेबल से सारा डेटा आएगा, लेकिन इस प्रोडक्ट की टेबल से कौन से रिकॉर्ड आएंगे इन दोनों को छोड़ के। समझ में आया? यानी पहली टेबल से सारा डेटा और जो हमारी सेकंड टेबल है उससे वही डेटा जो मैच होगा। और से क्लियर हो गया? तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा लेफ्ट ज्वाइन। कौन सा ज्वाइन बेटा? लेफ्ट ज्वाइन। लेकिन ये ऑन पे काम करेगा, तो कॉपी दिस, इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे चलते हैं। मैं थोड़ा चेंज सब जा देता हूं ना, हम कर क्या रहे हैं बस। देखो एज इट इज आपकी पूरी क्यूरी वही लिखनी है ना, कि मुझे ये तीनों कॉलम ही चाहिए। कल को अगर आपको दोनों टेबल से सारे कॉलम चाहिए तो बस डॉट लगा के प्रोडक्ट का नाम, यानी आपकी जो भी टेबल है टेबल का नाम लगा के डॉट क्या लगा देंगे, स्टेरिक, तो उस पूरी टेबल के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। सही है? आप करके देख लो बोला एक बार, मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूं। कैटेगरी की टेबल से डॉट स्टेरिक और प्रोडक्ट की टेबल से डॉट स्टेरिक। कैटेगरी का सारा डेटा, प्रोडक्ट का भी सारा डेटा। कौन से क्लियर है? और यहां पे क्या लगाना है? इनर नहीं, अब क्या लगाएंगे? लेफ्ट, बस लेफ्ट लिखना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्या लिखना है? लेफ्ट, और कुछ चेंज नहीं करेंगे, बस इनर हटा के लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट ज्वाइन हो जाएगा। डेटा देखो क्या आ रहा है, ठीक है? और शायद ये बाद में समझो, पहले इनर के हिसाब से सोचो। सही है? ये देखो कौन सा डेटा आ रहा है। देखो लेफ्ट टेबल से अब सिमर्ड वॉचेस आ रही है ना, अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ कैटेगरीज वहां थी प्रोडक्ट्स में वो तो आ रही है, लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है जो हमारी स्मार्ट वॉचेस की वो लेफ्ट टेबल में पड़ी है। किस टेबल में पड़ी है? लेफ्ट में, तो इस वजह से वो आ रही है। अच्छा, अगर मैं प्रोडक्ट्स पहले लिखता हूं और कैटेगरी बाद में लिखता हूं तो क्या होगा बताए? अब प्रोडक्ट सारे आएंगे और कैटेगरीज, कौन सी वाली कैटेगरी नहीं आएगी? सिमर्ड वॉचेस, वही हो रहा है ना। कौन सा क्लियर हो गया? तो जो पहले लिखेंगे वो आपका इज अ लेफ्ट टेबल कंसीडर होगा, जो बाद में लिखेंगे वो इज अ क्या होगा बेटा? राइट टेबल कंसीडर होगा। अच्छा, अब कॉपी करते हैं। मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे स्पेसिफिक तीन कॉलम नहीं उठाने, मुझे सारी टेबल का डेटा चाहिए, तो स्टार लगा देंगे, और प्रोडक्ट की टेबल से भी सारा डेटा चाहिए तो हम क्या लगा देंगे? स्टार। तो अभी तीन कॉलम आ रहे थे दोनों टेबल से, अब दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, यानी सारे कॉलम आ जाएंगे। श्योर है? अच्छा, अब बात करते हैं राइट ज्वाइन हमारे पास किस तरह से काम करता है। बेटा लेफ्ट और राइट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जहां पे आपने लेफ्ट लिखा वहां क्या लिखना है? राइट, दैट्स इट। अब राइट में क्या होगा? राइट टेबल से सारा डेटा आएगा और लेफ्ट से कोई डेटा वही आएगा जो हमारे पास क्या होगा? सिमिलर होगा। तो यहां आते हैं और मैं यहां पे आके क्या लिखूंगा, इसको करते हैं कॉपी और इसी को नीचे आके करते हैं पेस्ट। मैं कहता हूं भाई ये होगा अब राइट ज्वाइन, तो आपको पता है अब हमारे पास क्या होगा? राइट टेबल कौन सी है? कैटेगरी है ना। अब टेबल राइट कौन सी है? कैटेगरी, यानी कैटेगरी से सारा डेटा आएगा और प्रोडक्ट से जो कॉमन हो। कौन सा क्लियर है? तो राइट ज्वाइन आप ऐसा समझो जो आपने बाद में टेबल दी उसमें से, देखो हमारे पास स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं ना, राइट में वो टेबल है, तो राइट टेबल से अगर सारा डेटा चाहिए तो राइट ज्वाइन, लेफ्ट से चाहिए तो लेफ्ट ज्वाइन, और अगर दोनों से सारा डेटा चाहिए यानी वो प्रोडक्ट भी चाहिए जिनकी कैटेगरी भी नहीं और वो हमारी क्या चाहिए? कैटेगरीज चाहिए जिनके प्रोडक्ट भी नहीं, तो क्या लगा देंगे? फुल ज्वाइन, लेफ्ट राइट नहीं, क्या लगा देंगे? राइट को हटाओ, यहां क्या लिख देंगे? बस फुल
और सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। अब देखो सारे कैटेगरीज भी नजर आ रहे हैं और सारे प्रोडक्ट भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिनकी कैटेगरीज है और जिनकी कैटेगरीज नहीं भी है। कौन सा क्लियर हो गया? अब तकरीबन ज्वाइन कवर हो चुके, एक ज्वाइन और है जिसको हम क्रॉस ज्वाइन कहते हैं, वो किस तरह से काम करता है उसको देखते हैं। अच्छा, क्रॉस ज्वाइन का मैंने अभी तक, आज तक मैंने तो इसको यूज नहीं किया, वैसे ये यूज होता होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने पढ़ी है ना, ये ज्वाइन उसी हिसाब से काम करता है। अब इसका काम क्या है? क्रॉस ज्वाइन इज ऑल्सो कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्वाइन, सही है। अभी किस तरह से यूज होता है? द क्रॉस ज्वाइन इन एसक्यूएल रिटर्न यू अ रिजल्ट टेबल इन विच ईच रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल इज कंबाइंड विद ईच रो फ्रॉम द सेकंड टेबल। आपने नोट किया होगा, सेट ए से एक हम क्या उठाते थे, कोई भी वैल्यू उठाते और सेट बी के हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई करते, ऐसे ही होता था ना। तो अभी यही होगा, एक रिकॉर्ड एक टेबल से उठाएंगे, अगर दूसरी टेबल में 15 रिकॉर्ड है तो 15 से क्या होगा, वो मल्टीप्लाई एंड सवाले क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा इसके। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अभी क्या करना है, क्रॉस ज्वाइन का सेंटेंस देखना है। नीचे आते हैं, ये इस तरह से लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल क्रॉस ज्वाइन सेकंड टेबल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सपोज आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन टू टेबल्स जो हम यूज कर रहे हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहां पे कॉलम आप बता सकते हैं कि दोनों टेबल से कौन कौन से उठाने में, अभी सारे उठा रहे, सही है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, पहली कौन सी, मैं कह देता हूं कैटेगरी की, ये क्रॉस ज्वाइन होगा किसके ऊपर, दूसरी टेबल कौन सी हमारी, प्रोडक्ट्स की। इसकी स्पेलिंग हम देख लेते हैं, कैटेगरी की बाय इस तरह से सिलेक्ट करते हैं बेटा और अप्लाई करते हैं। अब आप डेटा देखो किस तरह से आए, कितने रिकॉर्ड है, 18, कितने है 18। अब तीन रिकॉर्ड कैटेगरी में है और वहां पे कितने हैं, 6 है ना बेटा, हमारे पास प्रोडक्ट्स में कितने रिकॉर्ड हैं, 6 है ना, तो 36 18 है ना। तो हमारे पास क्या हो रहा है, तीन रिकॉर्ड उसके 6 रिकॉर्डों से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी को कहते हैं ना। तो आउटपुट में हमें क्रॉस ज्वाइन क्या दे रहा है, 18 रिकॉर्ड्स दे रहा है, यानी पहली टेबल का डेटा उठाया उसके बाकी टेबल के हर एक रिकॉर्ड से क्या कर रहा है, वो मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया, क्रॉस ज्वाइन का काम है। इन फ्यूचर आई होप कहीं यूज हो, लेकिन आज तक मैंने नहीं किया, पॉसिबल है दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं यूज होगा। अच्छा, ये हो चुका। लास्ट ज्वाइन हमारे पास जिसको कहते हैं सेलेक्ट ज्वाइन। बेटा ये सेलेक्ट ज्वाइन मल्टीपल टेबल्स पे नहीं लगता, एक ही टेबल को दूसरा नाम दे के हम क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। यानी कभी कभार एक ही टेबल के मल्टीपल कॉलम्स पे हम सेल्फ ज्वाइन को जो है अप्लाई करके यूज कर लेते हैं। तो अच्छा क्लियर हो गया, सही है। जैसे हम एग्जांपल नहीं देते कि एक अली है एक अहमद है, तो एक ही टेबल के दो नाम रख के उसके जो दो कॉलम है उनको उठा के क्या कर देते हैं, आपस में सेल्फ ज्वाइन अप्लाई कर देते हैं, सही है। तो ये असाइनमेंट होगी, आप लोग पढ़ के आओगे, नेक्स्ट क्लास तक बताओगे, ठीक। चले जी, ये हो चुका सेलेक्ट ज्वाइन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि तीन या चार टेबल से कैसे डेटा उठाते हैं बाय यूजिंग ऑल काइंड ऑफ ज्वाइंस, जो भी हमारे लेफ्ट है राइट है आउटर है इनर है इक्यू है, इन सारे ज्वाइंस को यूज करके। अभी तक हमने डेटा कितनी टेबल से उठाया, दो से। हमारे पास चार टेबल बने हुए, सिर्फ इसीलिए बनाए ताकि हमें मल्टीपल टेबल्स की अगर जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर तो कैसे उठाएंगे, ठीक है जी।